अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेटीएम आईडी को बदलना होगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने नए बैंक में UPI आईडी चेंज करने का निर्देश दिया है। साधारण शब्दों में समझें तो अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेटीएम आईडी चेंज करनी होगी। NPCI ने मंजूरी दी है कि पेटीएम की UPI सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन उसके आईडी को पार्टनर बैंक पर शिफ्ट करना होगा। जैसा मालूम है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी वजह से नई व्यवस्था को शुरू किया गया है। NPCI ने पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के लिए 14 मार्च 2024 को मंजूरी दी है। इसके बाद पेटीएम यूजर्स को पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को 4 बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और यस बैंक पर शिफ्ट करना होगा। पेटीएम यूजर्स को UPI पेमेंट के लिए @paytm वाली मौजूदा UPI आईडी को 4 नई आईडी में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। @paytm से @PTSBI, @PTHDFC, @PTAxis और @PTYes में शिफ्ट करना होगा। पेटीएम यूजर्स को लाइन लगाकर किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। रिपोर्ट की माने तो पेटीएम से अन्य बैंक में आईडी ट्रांसफर करने का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। मतलब यूजर्स को किन बैंक में पेटीएम आईडी को ट्रांसफर करना है इसका ऑप्शन दिया जाएगा, जिसे सिलेक्ट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।